IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूँ श्रद्धा। एक तरफ जहां बिहार सरकार लगातार यह दावा करती है कि उनके स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आए दिन जिस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित लापरवाहियां सामने आ रही है, इससे स्वास्थ्य विभाग की सच्चाई छिपाई नहीं छिप रही है। इस बीच एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है जो बिहार के पुनपुन के बेलदारीचक के अवधपुर गाँव से है, जहां एक महिला ने 5 मिनट के अंतराल पर कोविडशील्ड और कोवैक्सीन की एक डोज ले ली है। जब इसकी जानकारी वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को मिली तो उनके होश उड़ गए। 65 वर्षीय महिला का नाम सुनीला देवी बताया जा रहा है। एक साथ अलग अलग वैक्सीन के 2 डोज देने के बाद महिला के स्वास्थ्य पर इसका असर दिखने लगा और वह रात भर बुखार से कराहती रही। परिजन अभी भी आशंकित है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की गलती के बावजूद भी कोई डॉक्टर या नर्स देखने नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिला से कहा गया था कि 24 घंटे उसकी मेडिकल टीम निगरानी रखेगी, लेकिन निगरानी रखने के लिए वहां ना तो कोई पहुंचा और ना ही उसकी कोई निगरानी रखी गई। महिला के घर वालों ने ही उसके कंठ सूखने के बाद ग्लूकोज पिलाकर उसका ध्यान रखा, लेकिन कोई मेडिकल टीम वहां नहीं पहुंची। परिवार वाले इंतजार करते रहे, लेकिन मेडिकल टीम नहीं आई और कोई निगरानी नहीं रखा गया। हालांकि इस बीच एक NM जरूर पहुंची, जिसने दूसरा वैक्सीन दिया था। उस NM ने अपनी गलती मानी है। चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि सेंटर पर मौजूद 2 NM चंचला कुमारी व सुनीता कुमारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे एक साथ 2 डोज नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर भूलवश पर भी गया है तो इससे ज्यादा परेशान नहीं होना है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी क्या स्वास्थ्य विभाग कोई कड़े कदम उठाती है या हर बार की तरह अपनी गलतियों को छुपाते नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। विश्व दुनिया की तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहे IVTV।